मेरे साथ सीनियर एडवोकेट अब्दुल अजीम खान मौजूद है। जस्ट अभी कुछ देर पहले हमको मालूम पड़ी है कि दानिश शाह, अतीक शाह नामी एक शख्सियत शख्स को मुंबई हाईकोर्ट ने एंटीसिपेटरी बिल मंजूर किया है, तो इस बात को लेकर क्या? देखिए, पूरी चार्जशीट का मुताला बारीकी से किया था, यहीं से हमने एंटीसिपेटरी बिल रेडी की। बच्चे के इम्तहान भी शुरू होने वाला है, उसका तालीमी करियर भी तबाह हो सकता था, इसलिए हम अर्जेंसी में दाखिल किए और 15 मार्च को हमने बेल एप्लीकेशन दाखिल किया हाईकोर्ट में, जिसका 704/2022 एंटीसिपेटरी एप्लीकेशन पड़ा। रजिस्ट्रार को हमने अर्जेंसी बताई कि भैया बच्चे का कल से एग्ज़ाम शुरू होने वाला है और इसके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं। स्पेशल हमने रिक्वेस्ट की जज को बोल के कि भैया चार्जशीट आ चुकी है, हम पुलिस को सर्विस कर देंगे, और अदालत ने हमारी बात मानी और वायरलेस के थ्रू बताए थे। तो आज अदालत में सुबह 11:30 बजे हमारी पिटीशन हियरिंग के लिए समाअत के लिए आई, लेकिन उस वक्त तक SDPO लता ढूंढे नहीं पहुंचे थे, शायद ट्रैफिक होंगे बॉम्बे। बाद में फिर दोपहर के बाद 2 बजे मैटर रखा गया, कैब बैक कहे जाते हैं वहाँ पे, जो जिसमें कुछ नहीं आए। अदालत ने बहुत बारीक बिनी से सुना और मुस्तकिम डिग्निटी जो हमने ऑर्डर उसमें अटैच की थी, वैसे मोये की जो ऑर्डर अटैच की थी कि भाई ये अदालत हर बेल एप्लीकेशन में एक अलग अलग अंदाज ले रही है, वजूहत अलग अलग है और कैसे गलत है। बहरहाल अदालत ने CC कैमरे के उसकी वो चीज़ें देखी, अब मुकम्मल ऑर्डर आएगा पता चलेगा, लेकिन चूंकि बच्चा स्टूडेंट है, एग्ज़ाम है, तो उसकी पेशगी जमानत कबूल की और दो दिन हाजिर, हफ्ते में शायद 2 दिन के लिए हाजिरी लगाने के लिए हुक्म किया है, लेकिन परमानेंट पेशगी जमानत मुकम्मल तौर पर मिल गई, अब उसे अरेस्ट नहीं किया जा सकता। इस तरह उस बच्चे का तालीमी नुकसान नहीं होगा और बिलावजह एक बच्चा जो इस केस में मुलविस किया गया था, अल्लाह के शुक्र से उसे जमानत मिल चुकी है। अब बाकी और जो लोग हैं जिनके सिर्फ नाम है, इंशाल्लाह हम उनके लिए भी एंटीसिपेटरी बिल यहाँ दाखिल करके अगर अदालत ने ये तो बहुत अच्छा है, वरना इंशाल्लाह हम हाईकोर्ट से करवा लेंगे। सर, इसका ड्राफ्टिंग भी आपने ही किया था ना? जी, ड्राफ्टिंग भी हमने किए थे, वकील को पूरी मालूमात हमने जाके दाखिल किए थे, बताए भी थे उनको क्या क्या नुकाते बोलना है, बल्कि आर्गूमेंट के लिए हम आज जाने वाले थे, तैयारी भी थी हमारी, लेकिन यहाँ पर चूंकि और लोगों के भी आर्गूमेंट है वो भी ज़रूरी थे, और वहाँ यकीन नहीं था कि इतनी जल्दी समाप्त 2 दिन में हो जाएगी। खालिद साहब, आप क्या कहेंगे, एक बड़ी कामयाबी? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी कामयाबी है, और ये सेहरा हमारे सीनियर वकील के सर ही बनता है, रेगुलर बेल हो या एंटीसिपेटरी बेल हो, शुरू से लेकर आखिर तक एक एक बारीक चीज़ों की स्टडी करना, किस चीज़ को कहाँ पर पेश किया जाए, ये हमारे सीनियर वकील साहब का एक समरा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और हम लोग शुरू से आगे तक इनके साथ इसलिए लगे हैं कि इनकी दिल जान से जो गरीबों को मदद पहुंचाना है, विथआउट एनी क्या कहते हैं कंटीजेंसी, कन्फ्यूज़न नहीं, हमें काम करना है, हमको काम से मतलब है, ये गरीबों का काम है, छोटा बड़ा, अमीर गरीब, पॉलिटिशियन, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, ये एक बात बताऊंगा मैं कि ठीक है, हमने मेहनत की इसलिए कि भाई 40-45 साल का तजुर्बा हमें, लेकिन तमाम मुस्लिम उकला इसके हकदार है, इस काम में तमाम जितने भी एंटीसिपेटरी बिल दाखिल किए, रेगुलर बिल दाखिल किए, ख़ासतौर पर फारूक मेहमान, खलील अंसारी, हमारे चैम्बर के पूरे हर खास व आम हर आदमी ने अपने हस्ब इस्तात हर तरह की मदद की है, तो ये खुशी हमारी नहीं, ये पूरे मुस्लिम उकला की जो यकजहती है उनकी, वो इसके हकदार है। मर चुके, हमें तजुर्बा है, हम हाईकोर्ट में जाके काम भी किए हैं, पिटीशन भी बनाते हैं, तो जो हमसे हो सकता था हमने सहूलत के लिए तमाम काम किए।